दोस्तों, ये लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और ये घंटी का बटन दबाएं ताकि नया वीडियो डालने के बाद आपको मैसेज तुरंत मिल जाए। हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन इन ग्रीन स्पून गार्डन। मैं हेमंत, आपका फ्रेंड, आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आपको कल एक वीडियो दिखाई थी जिसके अंदर मैंने अपना हिबिस्कस का जो प्लांट था वो मैंने प्रून किया था, और ये उसकी कुछ कटिंग्स हैं जिनको आज मैं कटिंग के थ्रू ग्रो करने जा रहा हूँ। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि हम किसी भी हिबिस्कस के प्लांट को किस तरह से कटिंग के थ्रू ग्रो कर सकते हैं, क्या क्या उसमें सॉइल मीडिया रहेगा और किस तरह से हमें उसको ग्रो करना है। तो उसके लिए आपको ये कटिंग चाहिएगी। कटिंग आपकी थोड़ी पुरानी होनी चाहिए। देखिए जिस तरह से इसकी कटिंग पे ये पुराने पुराने रिंकल पड़ गए हैं, ये दाने से पड़ गए हैं, ये निशान पड़ गए हैं, लाइनें पड़ गई हैं, तो इस तरह की कटिंग आपको चाहिए। और थोड़ी मोटी हो, जैसे ये वाली कटिंग है, ये देखिए। तो इस तरह की आपको कटिंग चाहिए। और आप कभी भी एक ही कटिंग मत लगाएं, कम से कम आप चार या पांच कटिंग लगाएं। मैं आज चार कटिंग लगाने वाला हूँ, और बाकी कटिंग में मैं वाटर के थ्रू ग्रो करूँगा, सिर्फ पानी में। वो भी आपको दिखाऊँगा कि किस तरह से करेंगे, वो मैं आपको इससे नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगा। ये पार्ट वन है, उसके बाद मैं पार्ट टू आपको दिखाऊँगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपना प्रोसेस। चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं सोयल मीडिया की। ये हमारे पास से कोकोपीट है, मैं इसमें कोकोपीट यूज़ करने वाला हूँ। ये हमारे नॉर्मल गार्डन सॉइल है, और ये हमारा सैंड है। ये सैंड नॉर्मल सैंड है, जो जिसको हम जमा रहती है बोलते हैं। तो मैं इनको मिक्स करके इसमें यूज़ करने वाला हूँ। तो चलिए इनको मिक्स करते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए ये मैंने सोयल मीडिया में तैयार कर लिया है। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप इसके अंदर कोई भी कंपोस्ट अभी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम सिर्फ अपनी कटिंग्स को ग्रो कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप इसमें कोई भी कंपोस्ट ऐड करेंगे, वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग या कुछ और भी, तो उससे कटिंग्स शायद कभी कभी प्रोपोगेट नहीं होती। कुछ इस तरह के इसमें प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, कटिंग जल जाती हैं या और भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जिससे कि वो प्रोपोगेट नहीं हो पाते। इसलिए हम अभी इसके अंदर कुछ भी इस तरह का मीडिया ऐड नहीं करेंगे। सिंपल हम कोकोपीट, गार्डन सॉइल और सैंड लेंगे, और अब मैं इसको आपको अपने पॉट में डाल के कटिंग लगा के दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा पॉट। ये एक मैंने करीब 5 इंच का पॉट लिया है। ये इसमें एक छेद है, ये छेद होना बहुत ज़रूरी है, ये देखिए। और इस छेद के अंदर मैं ये एक पत्थर लगाऊंगा, जिससे कि ये ड्रेनिंग पर जो होल है ये कवर हो जाए। और अब मैं इसमें अपनी सॉइल ऐड करूँगा। फ्रेंड्स, देखिए ये मैंने सॉइल इसमें भर ली है, और अब मैं इसमें अपनी कटिंग लगाऊंगा। तो कटिंग लगाने का जो तरीका है वो इस तरह से है, ये देखिए। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी कटिंग है, और ये सीधी इस तरह से है क्योंकि इसके जो रूट्स हैं वो ऊपर की तरफ है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको सिंपली मैं इसमें एक पहले कट लगाऊंगा। मैं आपको कट लगा के दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने इस पर कट लगा लिया है, 45 डिग्री का ये मैंने कट लगाया। और हम क्या करेंगे, सिंपली इसको अपने जो हमारे गार्डन सॉइल हैं इसके अंदर हम इसको ऐसे बहुत ही आराम से यूँ लगा देंगे। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा सा इसको हम दबा देंगे, ये देखिए, और ये जितने पत्ते हैं इसको हम हटा देंगे। ये देखिए कटिंग हमारी लग गई है। ये दूसरी कटिंग है, और इसको भी मैं इसी तरह से इसमें ऐसे ऐड लगा दूंगा। ये देखिए 2 से 3 इंच तक हम इसको इसके अंदर लगा देंगे।